देखो सृष्टि, तुम ना बहुत गलत समझ रही हो। हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन उसके पीछे नहीं। तुम हमारा दुख नहीं समझ सकती। दुख वो समझते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ खोया। तुमने तो कुछ नहीं खोया है, लेकिन अब तुम बहुत कुछ खोगी। कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गया बिल्कुल है? बड़ा प्यार आ रहा है ना अपने सिंदूर पर। ये तुम्हारा ये सिंदूर चोरी का है। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आएगा वो बोलोगी। क्या क्या गलत काम ने? क्या ये सच नहीं है कि ये सिंदूर चोरी का है जो तुमने हमसे चुराया था? तुम्हें हमारा होने वाला पति चुरा के चैन नहीं मिला कि तुमने हमारी इज्जत भी छीन ली? देखो जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम पापा को वहां लेकर क्यों आई? हाँ, हमने तुम्हारे पापा को बुलवाया था, लेकिन बस ये लेकिन की बाद वाली कहानी हम तुम्हें बताएंगे। तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें शक था कि अनुराग जी हम में अभी भी इंटरेस्टेड है, तो तुम्हें उनकी आंखें खोलनी थी, तो इसलिए तुमने हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया। बहुत गलत गाड़ी पे बैठ रही हो सृष्टि। तो ये जो सब हुआ है ना, इसकी जिम्मेदार हम नहीं है, वो तुम्हारा फ्रेंड शेखर। अरे बंद करो अपनी बकवास। अपने आप को बचाने के लिए तुम कुछ भी कहोगी ना? अभी तक तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि राखिनी सिंह को खुद को बचाने के लिए किसी का जरूरत नहीं पड़ती। अरे हम तो तुम्हें गलत होने से बचा रहे हैं। तुम बचाओगे हमें? तुमने हमारे पास बचाने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है। सबसे पहले तुमने हमारा दोस्त अनुराग हमसे छीना, उसके बाद तुमने हमसे हमारा मायका छीन लिया, फिर तुमने हमारा ससुराल भी छीन लिया, यहां तक तुमने मासूम विशु जी के मन में हमारे खिलाफ जहर भर दिया, और अब तुम हमारे इकलौते वेलविशर शेखर को हमसे दूर करना चाहती हो? किसने हक दिया तुम्हें? किसने हक दिया हमारी जिंदगी के साथ खेलने के लिए? सृष्टि देखो, हमारे बात सुन। नहीं, हम तुम्हारी बात सुनने नहीं, अपनी बात बताने आए हैं। रागिनी सिंह, बहुत मनमानी कर ली तुमने, और अब तुम्हें रोकने का टाइम आ गया है। अब हम तुम्हें बताएंगे तकलीफ क्या होती है, क्या दर्द होती है। अब हम भी तुमसे तुम्हारा हर रिश्ता छीन लेंगे। जिस अनुराग के प्यार के लिए तुमने अपने पापा का सहारा लिया था ना,
सबसे पहले हम तुमसे तुम्हारा वही प्यार छीनेंगे, कर लो जो करना है। बस ज्यादा मत बोलो, हद पार मत करो ना। अरे हम अपनी सारी हदें पार करके यहाँ आए हैं, अब जो होगा खुलेआम होगा। तुम बस देखते जाओ, क्योंकि समझना तुम्हारी समझ के बाहर है। ये बात समझ में आ गई रागिनी सिंह? बड़के भौजी, आज हमारी ऐसा हलवा बना है कि का बताएं। आज जानती हैं, ऐसा हलवा एक बार हम अपने ससुराल में बनाए थे। हमारे ससुर खुश होके हमको 100 रुपया दिए थे इनाम में। आज हमको देखना है कि पुप्पा कितना देते हैं। दुलारी दीदी, इनाम तो आपको यहाँ पर भी मिल जाता, तो का है कि आपके ससुर जी नहीं है ना यहाँ पर। अरे बड़की भौजी, उसे तो हम कह रहे हैं कि निम्न है कि हमारे कंजूस ससुर नहीं है यहाँ, और वही चलते तो हमको ज्यादा इनाम मिलने का उम्मीद है। फुफा से देखते हैं कितना इनाम मिलता है। रसोई में आने का कोनो जरूरत नहीं है। ससुराई नहीं पड़ रहा है का? हमारा रसोई का कोई चीज तुम हाथ नहीं लगाओगी, समझी? निकलो यहां से। इस घर की हर चीज पर हमारा उतना ही हक है जितना कि आपका। तुम्हारा हक और हिस्सा ना कचहरी में जाकर बोलना। तुम्हारा कानून दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, समझी? निकलो यहाँ से। हम किचन में खाना बनाने आए हैं, यहाँ खाना बनाएंगे, खाएंगे और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। अगर आपको हमारे यहाँ होने से प्रॉब्लम है तो आप जा सकती हैं। बच्चे के साथ साथ बदजुबान भी सीख कर आई हो का? हम दिखाते हैं तुम यहाँ कैसे रुकती हो, हम देखते हैं। रुको ना, ये क्या कर रही हो? अरे निकले बेसन तो देखो। वह तुम चलो यहाँ से, तो हम खाना लगा दिए तुम्हारे लिए। अब तुम कहीं बेशरम के मुंह छोड़ेंगे नहीं इसको, हम मत छोड़ना। चलो अपने माथे पे लगे कलंक को मिटाने के लिए जो रास्ता तुम अपना रही हो ना, वो गलत है। हो सके ना तो अपना रास्ता बदलो थोड़ा। अच्छा, ये तुम कह रही हो? वाह, कमाल हो क्या रागिनी, तुम तो बहुत दबंग हो ना। तुमने शादी से लेकर शमशान तक हर काम बंदूक की नोक पर किया है, अब वही तरीका हम अपनाने लग गए तो बुरा हो गया। वाह, तुम अपने दबंग नेचर से सबका दिल जीती हो ना। अब देखना, हम तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। इस रास्ते पे बहुत सा कांटा मिलेगा तुम्हें, संभल के चलना थोड़ा। कि जब से आई है हमारा तो हलक से खाना नहीं उतरता है।
हाथ भी बिना मतलब में बेशरम के बारे में सोच रही है। तुम हलवा खाओ, बहुत अच्छा बना है। लो। देवर जी, का आप हमेशा अपने टेंट में बैठे रहते हैं? का आर्मी का ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, चलिए आइए खाना खाइए। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना तो आपकी भाभी भी खाना नहीं खाएंगी, और आपकी भाभी के पेट में ना बहुत जोर जोर से चूहे कूद रहे हैं। चलिए ना, चलिए 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 चलिए। अरे, ये बिरजू और विद्वान नहीं आए अब तक? दादी, वो फसल का हिसाब किताब कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। मीठा खाओ, मुंह मीठा रहेगा। ये सृष्टि कहाँ रह गई? अभी कानून की देवी के बिना तो इनका खाना हजम ही नहीं होगा ना। कभी हद होता है, अभी हमारे साथ बैठ के खाएगी। नहीं बैठेगी आप यहां, चली जाइए यहां से। शू, ये क्या बदतमीजी, छोड़ो उसे। पापी, हमसे का हो गया? अब तो पूरा खाना नस आ गया। तुलारी दीदी, ये क्या तरीका है? पूरा सा खाना खराब कर दिया आपने। अनुराग बाबू, वो गलती से हो गया, गलती तो कौनों से होता है ना। सृष्टि, तुम प्लीज दूसरी प्लेट ले लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा पेट भर गया। सब क्या तरीका है? आप लोगों की वजह से वो बिना खाए चली गई। कुछ इंसानियत बची है कि नहीं बची आप लोगों में? जो इंसानियत का पाठ हमको सिखा रहे हो ना, उसका कारनामा देखे होते तो ये बोलते नहीं, समझे? मैंने कोई कारनामा नहीं देखा, लेकिन मैं आप सबकी हरकतें जरूर देख रहा हूँ, और वो सब भी कुछ कम घटिया नहीं। I just can't bear this. खाइयो, ये लड़की की वजह से ना सबका खाना हलक से नहीं उतर रहा है। सुमेर बेटा। जी माँ। वो सृष्टि का हमें बहुत चिंता हो रहा है, एक बार तुम माँ। अगर चिंता करना है ना तो बाबूजी का चिंता कीजिए, सृष्टि का चिंता करने का कौनो जरूरत नहीं। और वैसे भी सृष्टि की वजह से हमारे परिवार का ना सर शर्म के मारे झुक गया। बेटा, सृष्टि हमारी बिटिया है, और हमसे ज्यादा अच्छे से उसे और कोई नहीं जानता। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे उसके पापा की इज्जत पर धब्बे लगे। दुनिया चाहे जो भी कहे, हम नहीं मानते। बेटा, एक बार जाके तो उसका हाल चाल पूछ ले, पता नहीं ये सब के बाद उसके मन पर का बीत रहा होगा। मैं आपको पता भी है कि कचहरी के बाहर का हुआ था, चारों जगह सृष्टि का चर्चा हो रहा है, लोग बाऊजी और हमको देखकर हंस रहे। कचहरी के बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया हम लोगों का। फिर क्या, बाऊजी को अजीब लगने लगा तो हम सीधा घर लेकर आ गए। लो बीपी है बाऊजी को माँ, लो बीपी। और ये सब का कारण ना माँ, आपकी बेटी सृष्टि है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि हमको सृष्टि के पास जाके उससे बात करना चाहिए? ना माना, हमसे ना हो पाएगा, हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। तुम लोग चाहे जो कहो, लेकिन हमें अपनी बिटिया पर पूरा भरोसा है।
कोई उसका साथ दे या ना दे, लेकिन उसकी माँ उसका साथ जरूर देगी। अब हम खुद जाएंगे अपनी सृष्टि से मिलने। तो आपकी पूजा करते थे, आज आपने हमारा विश्वास तोड़ दिया है। सृष्टि जी, नफरत करते हैं हम आपसे। सृष्टि जी, नफरत करते हैं। विद्वान जी, आज अपनी बेटी का तर्पण कर दिया। आज के बाद हमारी कोई बेटी नहीं। नहीं बैठेगी आप यहां, चली जाइए यहां से। खाना खा। जी, हम मानते हैं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ और हम तुम्हारा मान वापस लौटाने का कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारे और हमारे मिस्टर जी के खोखले रिश्ते में हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो सकता है इस सब करके तुम अपना सर जीत भी जाओ, लेकिन इस जीत के साथ तुम बहुत कुछ हमेशा के लिए हार जाओगे।